माफ़ी चाहती हूँ कि बीच में कनेक्शन टूट गया, मैं फिर वापस आई हूँ और फिर हम दोबारा बात शुरू करते हैं। फिर मेरा अनुरोध है साथियों से कि अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो एक बार ज़रूर मुझे बता दें कि वो मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं बात कर रही थी कि भाई किस तरीके से जो है हमारे जो युवा साथी लोग हैं उनको उनको हमें शिक्षित करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जब आप देखें, जब बाबा साहब के पूरे लाइफ को हम देखते हैं और देखते हैं कि उनका संघर्ष जो था वो आधा संघर्ष जो उनका था, उस संघर्ष का आधा हिस्सा पूरा औरतों के लिए समर्पित कि वो कैसे सामाजिक जीवन में जुड़े, कैसे वो अपनी तरक्की करें, कैसे अपने आप को ग्रो करें, कैसे वो अपने मतलब पूरा एक उनका कैसे उनको पूरे अधिकार मिले, मजदूरी के पूरे अधिकार मिले, उनको तनख्वाह पूरी मिले, उनके प्रसूति अधिकार हो, उनका काम का अधिकार हो, कैसे पूरा बाबा साहब ने ये लड़ाई को लड़ा। और बड़ी हैरानी जब इस बात की होती है कि बाबा साहब, हम कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं लेकिन हम उनकी विचारधारा को नहीं मानते और हम अपने जो निजी जो व्यक्तिगत राय होती है उसको। तो मैं अभी के पिछले दिनों में जो आया तो स्त्रीवाद पर बात करते हुए मैं ये कहूँगी कि एक बाबा साहब ने एक हिंदू कोड बिल लेकर के आए। हिंदू कोड बिल था क्या? हिंदू कोड बिल यही था कि जो दबी कुचली महिलाएं हैं उनके राइट के लिए, और ख़ासकर जो जो हिंदू धर्म में जिन औरतों को अधिकार नहीं मिलता बहुविवाह प्रथा के कारण, उनको एक ही मतलब एक ही आदमी की कई कई पत्नियां थी, या बूढ़े पति की जो थी छोटी उम्र की पत्नियां थी, या विधवा हो जाने के बाद उनको जला दिया जाता था, या प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, या और भी, तो उस तरीके से जो था वो तो उस तरीके से जो ये था कि भाई कैसे हम जो है, तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पे पूरा तैयारी की और उन्हें इसको पूरे भारत में इसको लेकर के गए, वो पूरे समाज में लेके गए। और इस बिल का विरोध कट्टरपंथियों ने किया था। कट्टरपंथियों ने इसलिए किया था कि अगर हम औरतों को ये सब अधिकार दे देंगे तो उनकी सत्ता खिसक जाएगी, पितृसत्ता खिसक जाएगी, क्योंकि कोई भी औरत को अगर हम जो है वो एक गरिमा का जीवन दे देते हैं, उनको एक तरह से हम ये कहेंगे कि उसके हाथ में अगर पैसे आ जाते हैं, उसको नौकरी मिल जाती है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, तो एक अलग तरह का व्यक्तित्व बनता है, उसको पढ़ाई लिखाई का पूरा अधिकार हो उसको सब तरह से। तो ऐसा जब हुआ, और यही कारण है कि जब कट्टरपंथियों ने हमले किए तो उनके हमले का कारण ये था कि उनकी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही थी और उन्हें लग रहा था ये औरतें जब पढ़ लिख जाएंगी तो बोलेंगी हमसे, अपने हमने जो इनके अधिकार छीन के रखे वो हमसे मांगेंगी। तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो इस तरह का है कि हमें जो है वो हम जो है वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को उभरने नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए इन सब कारणों के कारण जब हमने देखा कि भाई एक दलित महिलाओं की एक लंबी लड़ाई थी जिसमें उनको बराबर जो है वो उनको किसी भी चीज़ में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा था, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक भागीदारी का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो, तो ये जब आवाज़ उठी कि जो दलित स्त्री है वो अपनों में भी शोषित है, अपनों में भी दबी हुई है, उसके अपनों में भी अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम साहित्य की बात उठाएं तो हम देखेंगे कि उसमें जो है वो दलित स्त्री जो है वो उसकी छवि ऐसी बनाई गई है कि जैसे वो बहुत ही निर्जीव सी है, जबकि अगर असली जीवन में देखें तो बहुत जीवटता से दलित स्त्री जीती है, बहुत ही जीवट उसका जीवन होता है और बहुत मेहनती होती है और वो सब होती है। और अगर हम एजुकेशन के आंकड़े उठा के देखें तो दलित स्त्री की जो जो एजुकेशन है वो बहुत कम है, इतना भेदभाव है समाज में कि जो है उसको हमारे जो दलित तबके की औरतें हैं वो या तो मजदूरी में है या किसी भी तरह की खेती और मजदूर हैं या घरेलू कामकाज में लगी हुई हैं, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। और इतनी ख़राब हालत में इतनी मेहनत कश कौम के बारे में लिखना कि भाई वो ऐश करती हैं, वो उनको उनको मतलब
वो आदमियों की दुश्मन होती हैं, अब दलित औरतों की दुश्मन, दलित पुरुषों के पीछे पड़ी रहती हैं, तो ये गलत थिंकिंग है। एक तो गलत है, ऊपर से बाबा साहब की विचारधारा के भी गलत है। तो मैं ये बातें इसलिए जानबूझ के बोल रही हूँ क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो नए युवा लेखक सो कॉल्ड जो कहते हैं कि हम नए लिखना सीख रहे हैं, और हम और बहुत अच्छी बात है वो नया लिखना सीख रहे हैं, उनको लिखना चाहिए, लेकिन हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं। क्या हम कमज़ोर के पक्ष में खड़े हैं या कमज़ोर को हम उत्पीड़क मान के खड़े हैं? क्योंकि कमज़ोर उत्पीड़क नहीं होता है, उत्पीड़क वही होता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास साधन होते हैं, जिसके पास वर्चस्ववादित होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्त्रीवाद पे आज बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, और ताकि ये पहचान सकें कि हमारे साथी कौन है। अगर हम दलित स्त्री को अपना दुश्मन मानने लगे, हमारे दलित भाई, दलित बच्चे, दलित बेटे, दलित जो भी है, अगर वो अपनी ही बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी माँ को अपना दुश्मन मानने लगेंगे तो ये गलत बात होगी, जो कि ऐसी कोशिश हो रही है। और ये सब विवाद बीच बीच में उभर के भी आ जाते हैं, हम देखते हैं फेसबुक पे भी आएगा, इधर मतलब चारों तरफ इस तरह के सुनते हैं, तो हमें लगता है कि करने के लिए कितना काम है, और हम जो हैं, हम अपने से जो है बजाय हाथ में हाथ थाम करके चलने के, हम एक दूसरे को जो है वो परेशान करके, एक दूसरे को डाउन करके, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के, एक दूसरे को दबा करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, दलित दलित जो समाज है उसके आइकन भी उस तरीके के हैं, चाहे वो देखो, चाहे वो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हो, तो वो दोनों ने मिलकर के काम किया, और जो मिलके काम होता है, जो अधिकारों के लिए मिलके काम होता है, उससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम सोचें कि हम अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे तो वो नहीं होता। अगर हमारे घर में, अगर हम अपनी बहनों को लिबरेट नहीं करते, हम अपनी वाइफ को लिबरेट नहीं करते, हम अपनी माँ को, माँ को आज़ादी, मतलब हमारी माँ आज़ादी के लिए तरसती है, हमारी बहनें आज़ादी के लिए तरसती हैं हमसे, और हम उन पर जो है वो लाद के रखते हैं, पेट्रियाकल चीज़ें लाद के रखते हैं, तो ये बहुत ख़राब बात है। और ख़राब उसी तरीके से जैसे अपनी बहनों को मौका ना देना कि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकें, अपनी जो है वाइफ को ये मौका ना देना कि भाई वो मेरी तरह स्वतंत्र है, मेरी तरह काम कर सकती है। मैंने बहुत अपने दलित परिवार में देखा कि जिसमें हम अपनी बहनों को, अपने हमारे जो भाई हैं, अपनी पत्नियों को मौका नहीं देते कुछ करने का। तो मुझे लगता है ये हमारे इस बात पे हमें करनी चाहिए, और ये इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारा जो दलित समाज है वो प्रगतिशील समाज है, वो निरंतर प्रगति कर रहा है। वो इतने सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो लगातार संघर्षमय है, और वो दलित समाज एक ऐसा समाज है जिसको संघर्ष से ही चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हमारे देश में जाति की समस्या इतनी बड़ी है कि जाति हर चीज़ को रोक लेती है। तो इसलिए हमें जो भी मिलता है अपनी मेहनत के बल पे, अपनी काबिलियत के बल पे, अपनी क्षमता के बल पे मिलता है, और एक नहीं, हमारे पास 10 काबिलियतें होती है तब हमें एक चीज़ मिलती है। तो इसलिए हम अपनी काबिलियत को, अपनी थिंकिंग को, अपने विचारों को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को आपस में ना लड़ करके हमें जो है ना अपने जो कमज़ोर भाई बहन है उनको मजबूत करने में हमें लगाना चाहिए। अच्छा, दलित स्त्रीवाद ने यही काम किया, उसने यही आवाज़ उठाई जब स्त्रियों पे जब हमले हो रहे थे दलित स्त्रियों पे, तो उन्होंने, दलित स्त्रीवाद ने यही आवाज़ उठाई कि जितना हक दूसरे को, अगर पुरुष को है तो इतना ही हक स्त्री को है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक नैसर्गिक भावना है प्यार की, स्नेह की, केयरिंग करना एक दूसरे को, स्नेह करना, ये सब वहीं रहती हैं। हम अपने बराबर अधिकारों को पालन करते हुए भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों को बांट करके, सामाजिक जिम्मेदारियों को बांट करके भी हम प्यार से रह सकते हैं, ये हमें सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने सिखाया है कि हम सब काम करते हुए भी, बराबर के अधिकारों की लड़ाई, सामाजिक काम करते हुए, राजनीतिक काम करते हुए भी हम एक दूसरे के जीवन साथी, सच्चे साथी या सच्चे अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। हमें वो जो एक पैट्रियार्कल सिस्टम है, जो एक सिस्टम है कि पत्नी जो होती है वो पति की दासी होती है, पति भगवान होता है, इन सबको मानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम मानते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अम्बेडकरवाद को सही से नहीं समझ पाए हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और हम सिर्फ नाटक करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम नहीं सच में हैं। क्योंकि हमारा जो परिवारों का ढांचा है वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि हम एक ऐसे परिवार की कल्पना करते हैं जिसमें कि सबको अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार है,
चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, सिर्फ उसको इसलिए नहीं दबाया जा सकता कि वो स्त्री है या वो छोटा है या वो किसी और तरीके और किसी विचारधारा का है। तो हमारे सामने यही चुनौतियां हैं कि हमें अपनी नई पीढ़ी को कैसे इस थिंकिंग में जोड़ना है, हमें कैसे अपनी नई पीढ़ी को स्त्रीवादी बनाना। स्त्रीवादी बनाने का मतलब है ज़्यादा संवेदनशील होना, ज़्यादा मुद्दों के प्रति सचेत होना, ज़्यादा जो है वो जो अगर हम जैसे हम ये कहेंगे कि हमें अपनी लड़ाई सवर्णों से लड़नी पड़ती है अपने अधिकारों के लिए, तो ऐसा ना हो कि स्त्रियों को लड़ना पड़े अपने अधिकारों के लिए अपने ही घर में। तो ये नहीं हमें चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना हमेशा करते हैं जिसमें सब लोग बराबर होंगे, स्त्री पुरुष दोनों, और जिसमें स्त्री पुरुष का दोस्ती का संबंध होता है, पति पत्नी की जगह दोस्ती का, साथी का, सहचर का, जीवन साथी का, वो ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता होता है। इन रिश्तों को हमें सच में जीने की ज़रूरत है, बाबा साहब और रमाबाई की तरह। जैसे कि रमाबाई ने उनका साथ दिया, बाबा साहब जो थे अपना सामाजिक काम में जुड़े रहे। रमाबाई के बारे में बहुत बुरी धारणा है कि वो नहीं जाती थी, लेकिन उनका अगर हम देखें ज़िंदगी उठा के तो बराबर उनके भागीदारी थी। ये ज़रूर है कि उन पर घर का बोझ ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने वो बाबा साहब के साथ उन्होंने अपना एक उनके मतलब उनके व्यक्तित्व को हम ये नहीं कह सकते कि वो उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनके साथ चल रही थी, जैसे सावित्रीबाई जो है ज्योतिबा फुले के साथ थी। तो साथियों ये मुद्दे हैं। अब मुद्दा ये भी है कि दलित स्त्रीवाद को वजह से मैंने बताया क्यों ज़रूरत पड़ी है ना, तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि दलित स्त्रीवाद जो है ना वो किसी भी तरह की असमानता को, किसी भी तरह की असमानता को, मैं ये कह रही हूँ चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो या क्षेत्र के आधार पे हो, और भी किसी तरह की असमानता जो भी इस दायरे में आती है उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है। क्योंकि हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जिसमें कोई भी किसी के हकों को ना छीने न मारे, बराबर का राइट रखे। तो दलित स्त्रीवाद तो जितना जितना मतलब जितना उसमें संभावना है वो स्त्रीवाद में कभी नहीं रही, क्योंकि स्त्रीवाद ने कभी भी, सवर्ण स्त्रीवाद ने कभी भी धर्म का पल्ला या जाति का पल्ले को नहीं छोड़ा, लेकिन दलित स्त्रीवाद धर्म और जाति के पल्ले को नहीं पकड़ती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि स्त्रीवाद में जो है वो दलित स्त्रीवाद के जो वैल्यूज़ हैं वो परिवारों को ये नहीं मानती कि वो मतलब परिवारों में डेमोक्रेटिक ढांचे की डिमांड करती है दलित स्त्रीवाद। और डेमोक्रेटिक ढांचा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष, दलित स्त्री और पुरुष दोनों ही पीड़ित हैं, दोनों ही समाज से उत्पीड़ित हैं, दोनों ही जाति से उत्पीड़ित हैं। तो हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पर कोई भी किसी को उत्पीड़ित नहीं करेगा किसी के आधार पर भी, लेकिन हमारे जो स्त्रीवाद है, सवर्ण स्त्रीवाद है, वो कई मुद्दों पे चुप्पी लगा जाता है और अपनी बात नहीं करता। और मैंने ये देखा कि दलित स्त्रीवाद में जो एक स्त्री के जीवन की जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे मैं कहूँगी अस्मिता से जोड़ के मैं कहूँगी कि उसकी बुनियादी जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसमें पानी हो, उसमें घर का सवाल हो, उसमें जो भी सवाल हो, उसकी इज्जत की बात हो, उसकी जाति से जो जो जुड़ी हुई पहचान है, वो अगर हम उसको बराबर की रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बराबर की का नहीं देते हैं, हम उसको जाति के आधार पे भेदभाव करते हैं, तो ये स्त्रीवाद मैं नहीं समझती कि कोई है। क्योंकि हमारे पास इस तरह की घटनाएं अतीत में जब हमारी दलित स्त्रियों को प्रताड़ित किया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अलग बैठे। बाबा साहब के समय ही एक महिला मंडल का गठन हुआ था जिसमें कि हमारी दलित महिलाओं ने, जायबाई चौधरी, उन्होंने भाग लिया, और उनको बाद में जब सम्मेलन ख़त्म हुआ तो उनको ये कहा गया कि भाई आप, उनको खाना अलग से दिया गया। और इस तरह का जो ये आडंबरवाद है, जो ये जो हमारे मन में जो मानसिक रूप से जो एक दीवार बनी हुई है कि हम श्रेष्ठ हैं और हमारा, हम आ तो गए महिला अधिकारों के लिए, लेकिन हमारे मन में जाति की दीवार नहीं टूटी है और हम हमेशा जो है वो दूसरों को
कैटेगरी में देखते हैं, ये फलाना है, ढिमकाना, ये है, ये है। हम और हालांकि हम मंच पे ये कहते हैं कि भाई हम सब महिलाएं, हम एक हैं, हम शोषित हैं, हम उत्पीड़ित हैं, हमारी भी दलित तो जैसे स्थिति है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत इससे बहुत परे है। हकीकत ये है कि हम लोग जो है ना, जाति में और वर्ग में और अलग अलग अमीर गरीब में बटे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो हम ये देखते कि इतने सालों का जो महिला आंदोलन है वो कैसे एक वर्ग का वर्चस्व रहा उसमें, क्यों नहीं उसमें तमाम तरह की महिलाएं आईं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि जो भी नेतृत्व सवर्ण महिलाओं ने किया, लेकिन उसको जो पीछे चलने वाली थी वो सब गरीब मजदूर दलित औरतें थी, आदिवासी औरतें सब उनके पीछे चलने वाली, क्योंकि और उनका नेतृत्व किया उन लोगों ने, अमीर औरतों ने, अभिजात वर्ग की औरतों ने, इंग्लिश पढ़ी लिखी औरतों ने, अपर कास्ट की औरतों ने उनका नेतृत्व किया। अब आप कहेंगे कि जो पढ़ा लिखा होगा वो नेतृत्व करेंगे, यही हमारा सवाल है कि हमारा समाज जब पढ़ा लिखा नहीं है तो आप हमारा नेतृत्व करें, और जब हम पढ़ लिखे हैं तो हम अपना नेतृत्व करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि वो हमें अपना नेतृत्व करने से रोकना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आप इस तरह के मुद्दे उठाते हो। लेकिन हकीकत बात यह है कि हम अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, जो कि उनको पसंद नहीं आती, उनके कानों में बड़ा अजीब सा लगता है, उनको पसंद नहीं आती, और वो ये कहते हैं कि भाई ये आप गलत कह रहे हो। लेकिन किसी भी अगर एक एक ऐसे व्यक्ति से बात करोगे, अधिकार छीने हुए आदमी से, तो उसकी भाषा वही होगी, वो एग्रेसिव होके, वो सालों से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, 2500 साल से, तो जब भी बोलेगा उसकी आवाज़ में तल्खी होगी, गुस्सा होगा, वो गुस्सा में सहना चाहिए क्योंकि हमने उनके राइट मारे। कल को हमारे भी दलित समाज में भी और नीचे के लोग आएंगे और लोअर हैं, तो हमें वेलकम करना है उनका कि चलो बहुत अच्छी बात है वो लोग आए और वो अपनी बात कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे ही अपने और जो हमसे भी, जिनको अभी तक बहुत ही ज़्यादा, जिनको अभी तक गरिमा प्राप्त नहीं हो रही है, हम उनका जाएं, उनको अपने साथ मिलाएं, उनको कहें कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे हिस्से की चीज़ है, ये तुम्हें चाहिए। जैसे एक घर में कमज़ोर बच्चे को हम ज़्यादा खाना देते हैं, उसी तरीके से जो कमज़ोर तबका है उसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें रखनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हंसता खेलता परिवार हो। परिवार का मतलब समाज, समाज का मतलब ये देश। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां आए, सब लोगों का एक अच्छा माहौल रहे, तो हमें हर किसी को इक्वल रूप में बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, जो कमज़ोर उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, जो खा खा के मोटा गया उसमें थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा कि तू योगा कर, अब तेरा खाने का टाइम रुका है, थोड़ा सा अपना वजन घटा, तूने दूसरों का खा लिया बहुत, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दलित स्त्रीवाद इन सब मुद्दों पर बात करता है, तो बहुत शोर मचा, बवाल मचा, और जो हमारे ही दलित उनमें बड़ी खलबली मच गई कि ये औरतें भैया क्या हो गया इनको। तो भाई अधिकार अगर आप पहले ही दे देते आराम से तो वो क्यों मांगती, सबसे बड़ी बात है। अगर स्त्रियां दलित औरतों को अपने ये कहती कि आओ बहनों बैठो, ये तुम्हारी भी कुर्सी है, जो मेरे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे बगल में तुम भी आके बैठ जाओ, जितना मेरी कुर्सी का अधिकार है उतना तुम्हारा, तो दलित औरतें क्यों चिल्लाती, आदिवासी औरतें क्यों चिल्लाती, अल्पसंख्यक क्यों चिल्लाती। लेकिन आपने तो पांच, मैं वापस आई हूँ, हेलो। तो वही मैंने कहा कि वैसे ही ऐसे हुआ कि दलित हम देखते थे कि हमारे जो सभा सोसाइटी, क्योंकि मैं तो बहुत छुटपन से एक्टिविज्म में जुड़ गई, मतलब जब मैं शायद स्कूल में थी तो हम लोग धरने प्रदर्शन में जाते थे, हमारे बड़े भाई बहन सब आंदोलन में जुड़े थे, वो हमको भी ले जाते थे, तो हम देखते थे तो हैरान होते थे कि भाई यहाँ पर कोई भी महिला नहीं है बोलने वाली, सारे आदमी आदमी बोले चले जा रहे, चलो वो तो आंदोलन की बात थी। लेकिन उसके बाद हमने साहित्य के क्षेत्र में देखा, जब लिखना पढ़ना शुरू किया तो अब हम सवाल उठाते हैं उन पे कि भाई एक मंच है जिसपे चारे चतुर्वेदी ये वो फलाना ढिमकाना बैठे हैं, तो हम जब अपना मंच देखते हैं तो हमारे मंच पे भी वही हाल है, कोई एक औरत तक नहीं बैठी होती मंच पे। और अगर मतलब अब आप कहोगे कि इसलिए नहीं बैठती क्योंकि महिलाएं ने, क्योंकि हमें ये तर्क दिए गए, जब हंस का संपादकीय निकला, हंस का जब दलित विशेषांक निकला तो यही तर्क दिए गए कि औरतें हैं ही नहीं लिखने वाली तो हम क्या करें। अरे भाई अपनी निगाह ढूंढो, औरतें तुम्हें हज़ारों मिल जाएंगी। अगर बाबा साहब भी यही कहते कि मुझे तो अपने अधिकार ही नहीं दिख रहे, मैं कैसे लूँ, तो क्या वो अधिकार रख पाते,
क्या उनके अंदर, अगर उनमें कमिटमेंट नहीं होता तो क्या ये सब हो पाता? तो हमें, अगर हमारे अंदर कमिटमेंट नहीं है अपनी समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज को बदलने के लिए कमिटमेंट नहीं है, तो हम लाख कोशिश कर लें हम वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि सिर्फ हम अपनी जगह देखते हैं, खड़े होने के लिए जगह देखते हैं कि मुझे मिल जाए, बाकी जाए भाड़ में, मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो ये आपाधापी ठीक नहीं है। तो ये हमने साहित्य में आपाधापी देखी, हमने जो देखा वहाँ पे सब महिलाएं जितनी भी थी, दो चार, मैं तो ये कहूँगी अगर दो चार महिलाएं भी आपके हॉल में बैठी हैं तो उन्हें बुलाइए, कहिए आइए बैठिए, ये आपकी जगह है, आपकी इतने सालों से खाली पड़ी, आप नहीं आई, आज नहीं बोलना सीखेंगी तो कल बोलना सीखेंगी। अगर आपको लगता है वो आकर के वो क्या बोलेंगी, तो अरे भाई वो दो ही शब्द बोलेंगे, लेकिन बोलेंगी से, उनको जगह तो चाहिए ही ना। तो अगर हम अपने, हम नहीं जगह दे पाते हैं, हम अपने मन में ये नहीं कह पाते कि ये जगह उनकी है, और हम फिर खड़े होकर के कहें, ढिंडोरा पीटे कि महिलाएं तो है नहीं जी, महिलाएं तो है नहीं जी, हम क्या करें, हम पे तुम कैसे आरोप लगा रहे हो, तो ये गलत बात है। अब बाबा साहब ने भी कैसे ढूंढ ली 25,000 और, बताइए हो गए, ये उनकी दृष्टि थी, ये उनके काम करने का तरीका था, ये उनको लगता था कि दलित औरतें आएंगी, और वो उनको बहुत प्रोत्साहन देते थे जहाँ जाते थे। लेकिन हमारा जो दलित समाज का पुरुष है वो तो बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है, वो तो महिलाओं को लगता है कि उसको मौका मिले तो वो धक्का मार दे इस जैसे कि तू उतर, मुझे ही बैठे रहना है, मेरे ही हक है ये। तो इस तरह की जो फीलिंग है वो हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स होते हैं वो उसमें हम देखते हैं, सेमिनार में देखते हैं, सामाजिक आंदोलनों में देखते हैं, सब जगह देखते हैं हम। इवन मैं तो ये कहूँगी दलित लेखक संघ तक में हम देखते हैं कि कोई महिलाओं को जगह नहीं मिलती है, कहने को वो इतना बड़ा संघ है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है, और कि हर जगह जो है वो हम ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, जबकि हम खुद अपने आप में भेदभाव के शिकार हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं ये भेदभाव? क्या हम जब भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं तो क्या हम अपने विद इन सोसाइटी में जो हम भेदभाव कर रहे हैं, क्या हमें उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? हमें उसके खिलाफ होना चाहिए। अगर हमारे सामने एक बच्चा ये कहता है कि औरतें खराब है, तो हमारे 10 आदमी क्यों नहीं कहते, हमारे 10 साहित्यकार, नामचीन साहित्यकार ये क्यों नहीं कहते कि आप गलत बोल रहे हो, आपकी थिंकिंग ये ठीक नहीं है? हम चुप्पी क्यों लगाते हैं, शायद चुप्पी क्यों लगाते हैं, ये चुप्पी का कारण समझना पड़ेगा। कहीं चुप्पी का कारण ये तो नहीं है कि मेरे अस्तित्व को एक चुनौती मिल जाएगी, मेरे लिखे पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, या मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूं, या मुझे तो जो मैंने प्राप्त कर लिया वो मेरा चिन्ह, क्या चीज़ है ये कि हम गलत बात करते हुए भी जो है हम किसी का विरोध नहीं करते? ऐसा क्या चीज़ है कि हम जो सब गलत चल रहा है, जो हमारे जो जिस तरीके से पूरा माहौल है महिलाओं के खिलाफ, हम क्यों नहीं ये कहते कि ये सब गलत है और इसको बंद करो? 56 अब जाते हैं और उससे पहले वो हजारों महिलाओं को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये हमें अपनी बात जो है वो देखनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने सोसाइटी का, अपने कम्युनिटी का, अपने समाज का, अपने समुदाय का विकास करना है। मुझे ये प्रण लेना चाहिए एज ए दलित यूथ कि मैं जब एक मीटिंग में जाऊंगा, मैं जब एक सभा में जाऊंगा, तो मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा साथ में, मैं अपनी मम्मी को कोशिश करूंगा ले जाने को, मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा, मैं उनके साथ प्यार से रहूंगा, उनका कभी भी उत्पीड़न नहीं करूंगा, उनके साथ मार पिटाई नहीं करूंगा। ये हमें, ये बहुत व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन इन व्यक्तिगत बातों से ही समाज बनता है, समाज का निर्माण होता है। अगर आज हमारे घर में शोषण पल रहा है तो हम बाहर के शोषण के खिलाफ क्या आवाज़ उठाएंगे? हमारी आवाज़ झूठी होगी, खोखली होगी, और लोग हमें कहेंगे देखो घर में तो इसके ये है, बाहर ऐसा है ये। और ये दोनों के लिए है, मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेंट है, पुरुषों का समाज है, तो इसलिए ये बात पुरुषों के लिए ज़्यादा है, लेकिन औरतों के लिए भी ये बात है कि वो कोशिश करें अपने बच्चों को लाएं, अपने पति को लाएं, अपने परिवार, अपनी सास को लाएं, अपने ससुर को लेकर के आए वो अपने। तो ये एक हम चाहते हैं कि इस तरीके से हो, भागीदारी हो, और हम हमेशा ये मानते हैं जिसमें पूरा परिवार भाग लेता है वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट होता है, और हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज भी आई हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं आया। तो इस तरीके से ये है। तो हमने देखा दलित स्त्रीवाद की जब हमने आवाज उठाई तो बहुत हमले हुए, बहुत हमले हुए, व्यक्तिगत हमले भी हुए और वो हमले अभी भी चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं का उससे पढ़ रही थी तो वो बहुत परेशान थे। अब हमारे हमारे समाज में इतने सारे लोग हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि हमें कुछ लोग बड़ा परेशान कर लेते हैं और हम हो जाते हैं। अब हम उनको उनके दिमागी हालत पे छोड़ दें, भाई इनका दिमाग ही ऐसा, क्या करें। मैं भी पता नहीं इन्होंने क्या क्या खा करके ये सुबह उठ महिलाओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, अब मैं उनको अपने समाज का हिस्सा ही नहीं मानती। मुझे लगता है हमने बहुत लड़ लड़ के लड़ाई कर ली, उनके खिलाफ आर्टिकल लिखे, सब कुछ लिखा, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, हमारे अम्बेडकरवाद के समाज का तो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर होते तो इस तरह की वो उस तरह की बातें ही ना करते। तो साथियों ये बड़ी गंभीर चुनौती हमारे सामने खड़ी है कि हम जो है वो किस तरीके से काम करें और अपने समाज को किस तरीके से जो है जिसमें महिला पुरुष दोनों हाथ में हाथ मिला करके बराबर की भागीदारी के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ दोनों आगे बढ़े। और ये सच्ची आज़ादी यही होगी। कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना जो हम करते हैं वो होगी कैसे? वो यही होगी कि जब हम अपने हमें ठीक हमें पता है कि दूसरे परिवारों में, अपर कास्ट के परिवारों में फ्रीडम नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को तो ये फ्रीडम ना छीने। अगर मेरी बेटी या बेटा किसी अपने मैं तो मतलब मुझे हैरानी होती है जब लोग हमें कहते हैं कि लोग जो बुद्धिस्ट है वो अपने आप को ऊपर मानते हैं और जो बुद्धिस्ट नहीं है उनको वो नीचा मानते हैं और अपने बच्चों की शादी नहीं करते। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे दुख भी बहुत होता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमने सीखा? इतने सालों हम किताब पढ़ते रहे, बाबा साहब के वॉल्यूम पे वॉल्यूम पढ़ते रहे, ये सब करते रहे, लेकिन ये क्या है, क्या चीजें हैं ये, कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक चमार का बच्चा वाल्मीकि से के बच्चे से शादी कर ले। हमें ये सेंस ही नहीं आ रही है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर हम अगर एक मजबूत समाज चाहते हैं तो हमें आपस में अपने बच्चों की मिला जुला के शादियां करनी पड़ेंगी ना। हमें हम मन से किसी को छोटा कैसे मान सकते हैं? समाज हमें जो कह रहा है हम भी वैसे ही मानने लग जाएं। तो ये जो है ना इस तरह की फीलिंग को कि भाई जो और यही कारण है कि बड़े क्राइसिस आ जाते हैं समाज में, लड़ाइयाँ हो जाती है जब हम ये कहते हैं, जब हम अपने अपने बंधनों। मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार, अपने दलित साहित्यकारों को अपने समुदाय की चीजों से जुड़े हुए देखा, अपने समुदाय की चीजों को जुड़ करके उसको मजबूत बना रहे हैं, वो अपने उससे जुड़े। ऐसा क्यों भाई? जब हमने ये कह दिया कि हम जो है वो हम दलित साहित्यकार है या अम्बेडकरवादी साहित्यकार है, तो कास्ट खत्म उसी वक्त, खत्म उसी वक्त खत्म। मेरी निगाह में वो एक अब वो नहीं है। अगर मैंने कहा मैं अम्बेडकरवादी हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा या बेटी किससे शादी करती है, कैसे रहती है। ये इतना हमें, अगर आपने जरा भी बाबा साहब की लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, उनके कामों के बारे में पढ़ा होगा, तो ये एक स्वतंत्र सोच विकसित हो जानी चाहिए। और मैं इसलिए बात कह रही हूं क्योंकि हम जो बाबा साहब के सिद्धांतिक सिद्धांत को मानते हैं, हम सिर्फ मूर्ति पूजा वाले लोग नहीं हैं कि उनकी तस्वीर पे माला चढ़ाओ। आप मेरे देखोगे मैं बहुत ये नहीं करती, लेकिन मैं बाबा साहब के सिद्धांतों को पूरी तरह से मानती हूँ। उनके सिद्धांत क्या है? सबको बराबर हक, राइट, कोई कास्ट की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई जाति की बात नहीं। हम जब भी जाति की बात करेंगे, जब भी किसी में अमीर गरीब, अमीर दलित गरीब दलित, ऊंचा दलित नहीं दलित, फलाना दलित, काला दलित, गोरा दलित, मतलब इस तरह की जो बातें बेबुनियादी बेवकूफों वाली बातें हैं, ये हमें इसको नहीं मानना और नहीं मानना चाहिए। अगर हम जरा भी बाबा साहब को पढ़े हैं, जिसने भी बाबा साहब को पढ़ा है, मैंने अपने साथियों में ही देखा कि वो लड़कियों के कद तक पूछते हैं कि तुम्हारा कद कितना है भाई, मेरा कद कितना है। मतलब शर्मनाक बात है ये। मेरा अपने स्टूडेंट लाइफ में ये हुआ कि हमारे कई साथी, हमारे दलित मित्र जो थे, वो ये कहते थे कि मुझे 5 फुट 2 इंच की लड़की से ही शादी करनी है, उससे कम पे करनी नहीं है। तो अब ये बताओ कि ये हमारे जो वैल्यूज है, पैट्रियार्कल वैल्यूज है, या ये कैसे जाएंगे? इनको तो जाने ही चाहिए। अगर हम थोड़ा भी एक थिंकिंग में आ गए हैं, अगर आप बने रहना चाहते हैं उस तरह के गोबर गणेश, तो बने रहिए, लेकिन फिर अम्बेडकरवाद का नाम मत लो कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, जय भीम जी जय भीम,
मेरी सुबह जैबिम से शुरू होती है, शाम को जैबिम, तो ये ढोंग ढोंग है एक तरह का, बिल्कुल ढोंग है ये। अगर आप सच में अंबेडकर को मानते हैं तो आप किसी भी तरह की असमानता को नहीं मानेंगे, किसी भी तरह के लोगों का मतलब उस तरीके से आप विश्वास ही नहीं करेंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आप अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने परिवार की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित। अगर आप, हमने बहुत सारे लोग देखे, हमारे जो कई सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने परिवार के परिवारों में चेंज ला दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा, उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरा का पूरा गाँव का गाँव बदल दिया, पूरा गाँव का गाँव अम्बेडकरवादी हो गया। और अम्बेडकरवादी होने का मतलब पढ़ लिख के शिक्षित होकर के अपने बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़े, उन्होंने कितने सोशल काम कर रहे हैं वो। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए घर की बच्ची पढ़ रही है उसको, ओ तू कैसे पढ़ रही है, कहाँ जा रही है तू, तेरी हम शादी कर देंगे, 21 की हो जा रहे थे, ये सब नहीं। ये लड़का है तो उसके पीछे पड़ गए कि नहीं अब तेरी जिंदगी खत्म, तेरी शादी करेंगे, हो गई जी शादी, क्या हो जाएगा उससे, उससे ये हो जाएगा कि हमारे समाज की प्रतिभाएं वहीं की वहीं रह जाएंगी, हम उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ने दें, उनको फ्रीडम से रास्ते चुनने दें, उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, उनको टीचर बनना है, उनको डॉक्टर बनना है, पहले हम ये सोचें, उन्हें हम जज बनाएं, उन्हें हम प्रिंसिपल बनाएं, उन्हें हम तरह तरह की चीज़ें सिखाएं बनाएं, हम ये ना हो कि उनके रास्ते में रोड़ा अटकाए। कोई बच्चा सामाजिक काम करता है उसकी मजाक ना उड़ाए, ये तो पागल है तो इसी में लगा रहता है, ये सब बहुत बेकार की बात है। हम बजाय उत्साह बढ़ाने के उसको उसका टांग नहीं खींचे, वो बच्चे में इतनी अच्छी भावना है कि वो सामाजिक काम कर रहा है, वो निकल के आया घर से, वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए बड़ा आदर्श है वो बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है वो जो ये काम कर रहा है। हमें खुशी है उस बात की कि हमारे समाज के बच्चे ऐसे हैं, हम उनको जलील ना करें, उनको उनको बेइज्जत ना करें, क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हम घर से निकल के नहीं जा रहे लोगों को करने, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो हम उसको उसको शाबाशी दें, उसको प्रोत्साहन दें, उसके सर पर हाथ रखें, उसकी मदद करें। तो इसलिए जो है वो हमें जो है ना, ये सही कह रहे हैं ओम प्रकाश गौतम जी के, अम्बेडकरवाद के नाम पे लोग ढोंग ना करें। अम्बेडकरवाद का मतलब है ताउम्र जीवन सक्रिय रहना, असमानता के सिद्धांतों को ना मानना, सबको समान समझना, सबके लिए मतलब पूरा जीवन सक्रिय रहना। बाबा साहब को आपने देखा होगा, बाबा साहब जो थे जब तक जिए एक एक पल का उन्होंने अपना एक एक पल का उपयोग किया, एक एक पल का। तो हम आज हमारे पास सारी चीज़ें, हमारे पास इंटरनेट, हमारा फ़ोन है, हमारे घर इतने अच्छे, सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं एक एक पल का इंतज़ार, एक एक पल का हम क्यों नहीं अपना इस्तेमाल कर रहे अपने समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए। और बल्कि होता क्या है कि हम उल्टा जो है ना अपने अपने लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी महिलाओं के पीछे पड़ जाते हैं, उनको गालियाँ देने लगते हैं, उनको ये करने लगते हैं, उनको जो काम कर रहा है उसका उसको पीछे खींचने लग जाते हैं। तो साथियों यही सारी बातें, ये सब ये वैसे दलित स्त्रीवाद में है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत सारे युवा साथी बैठे होंगे तो एक हम थोड़ा सा अलग हटके भी बात कर सकते हैं। जो चिंता है, जो मुझे चिंता है कि पहले वो हमें चिंता थी कि हमारी नई पीढ़ी नहीं आ रही है, लेकिन वो चिंता अब नहीं है, अब नई पीढ़ी बहुत निकल के आ रही है। लेकिन पता नहीं नई पीढ़ी की एक संकुचित धारा भी निकल के आ रही है जो स्त्रियों के खिलाफ है, और उस धारा को हमें चेंज करना है, उन ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके कहना है कि तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। उन लोगों को पकड़ पकड़ के उनके दिमाग की सफाई करनी है जो भी इस तरह की बातें करता है। तो ये है, और हम मतलब थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि जब देखते हैं कि भाई कोई हमारे मुंह के सामने ऐसी बातें कर रहा है और हम उसको चुपचाप सह रहे हैं और हम कुछ कह नहीं रहे। कहने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम जाकर के किसी को डांटने लगे, फटकारने लगे, उनसे आर्गुमेंट करें, उनको लेके बैठे, उनको समझाएं कि ये गलत गलत है, ये सब चीज़ें उनसे बातचीत करें। और मैंने अपने जीवन में बहुत देखा कि जब हम जैसे हम थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, मेरे ही मैं कहूँगी सोशल मीडिया पे लोग हमें ट्रोल करने आ जाते हैं, और कई ट्रोलर को मैंने कंप्लेंट करके उनको हटवाया, वो हैं अपने ही लोग हैं, और जो है वो कितना मतलब बुरी बात है कि हम अपनी महिलाओं के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। भाई ये कौन सी प्रॉब्लम हुई आपको, आप अपने घर की औरतों को भी दबा के रख रहे हो, दूसरी औरतें जो जो बाबा साहब के सिद्धांत पे चल रहे हो उनको भी परेशान कर रहे हो, आप अपनी औरतों को तो घर में कर ही रहे हो उनको भी कर रहे हो। तो आपको ये भी हजम नहीं हो रहा कि औरतें थोड़ी सी जो है वो बोले खेलें, वो अपना कुछ अपने विचार स्वतंत्र रूप से दे, वो भी नहीं होता।
तो ये जो ये इसका मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे हमें बात करने की ज़रूरत है, और मैं बहुत ज़्यादा आशावान हूँ। मैं हमेशा आशावान रहती हूँ, क्योंकि आशावान रहना हमें बाबा साहब ने सिखाया। बाबा साहब के जीवन में निराशा का कोई नहीं था। वो कभी कभी निराश होते थे जब उन्हें लगता था कि उनका पढ़ा लिखा समाज धोखा दे रहा है। हम भी होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तेजी से हमारे यूथ जो है वो जिस तेजी से यूथ और खास करके जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जो इंग्लिश में किताबें पढ़ पा रहा है, जो बोल पा रहा है, मुझे उन पे बड़ा प्राउड होता है। मुझे सच में अंदर से बहुत प्राउड होता है कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा लिख पढ़ पा रहे हैं। बहुत रियली मुझे खुशी होती है, और मुझे लगता है कि जो भी समाज का काम है, अगर उसमें हमारी आने वाली पीढ़ी जुड़ती है, और मुझे कई बार लगता है ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले हैं, लेकिन बस हमें एक ध्यान रखना होगा कि हम एक्सट्रीम की तरफ ना चले जाएं। हमें एक्सट्रीम बात से बचना है। एक्सट्रीम बात का मतलब ये है कि हमें अपना विचार तो कहनी है, लेकिन हमें दूसरों को भी सुनना है, अमल करना। वो हमारी बात है कि हमें नहीं पसंद आएगा, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम सुनने की क्षमता जरूर रखेंगे। और जो ये कुछ समय से जो होता है ना, कि हर समय जो एक दिमाग में फितूर सा रहता है कि भाई जो है वो ब्राह्मण ब्राह्मण, इससे हमें बचना चाहिए। ये हमारी ऊर्जा को वेस्ट करता है। अगर हमारा कोई व्यक्ति टारगेट है तो करे, लेकिन अगर नहीं है तो हम अपने उस ताकत को, अपनी को क्रिएटिव काम में लगाएं। क्रिएटिव काम का मतलब लिखाई पढ़ाई करें, रिसर्च करें, चीज़ों को निकालें, लोगों में जाएं, काम करें। कोई स्कूल छोटे बच्चों का चला सकते हैं, कोई किसी बच्चे को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमें अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखना है। हमारी जो अब हमें जो पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा भी जो समय मिला है वो हमारा क्रिएटिव होने का है। पहले तो हमें पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब हमारे अंदर जो क्रिएटिव है, हमारे अंदर जो छिपा फोटोग्राफर है, हमारे अंदर जो छिपा फिल्मकार है, जो हमारे अंदर छिपा गीतकार है, जो हमारे अंदर छिपा जज है, इंजीनियर है, डॉक्टर, उसको हमें बाहर निकालना है, उसी उस पे हमें काम करना है। अब अगर हम ये नहीं करते, पढ़ाई लिखाई के बाद भी हम अपने बच्चों को नहीं ले जाते अच्छी राह पर, सब तो बड़े मुश्किल बात हो जाएगी। अब हमें अपने थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इतने बच्चे जज बने कि सारे जो है वो जितने भी न्यायालय उसमें हमारे बच्चे बैठे हों, वो फैसले सुना रहे हो। हमारे इतने ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने कि वो ऑपरेशन कर रहे हो। इतने बच्चे वकील बने कि कोई ऐसा काम आए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, डरे मतलब मैं ये कहूंगी कि दबे कुचले लोगों के लिए खड़े हो जाए स्ट्रांग बन करके। हमें ऐसी चीजें चाहिए। हमारे आज की जरूरत ये है, आज की जरूरत ये नहीं है कि बस मैं जो हूँ वो मैं एक मूर्ति पूजक बन जाऊं, बाबा साहब का नाम 24 घंटे में 24 बार ले लूं, लेकिन काम कुछ भी ना करूं। तो हमें काम करने की ज़रूरत है साथियों, और मुझे लगता है जब हम काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये मुद्दे थोड़े से अपने आप में ही सिमटेंगे, ये ख़त्म होंगे। हम काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, बहुत जो जुगाली करते हैं सारे दिन बोलना बोलना बोलना, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बोलने का फ़ायदा जब है जब हमारा समाज बदलाव में वो योगदान हो। अगर किसी की टांग खींचने के लिए बोलना है, किसी को जलील करने के लिए बोलना है, किसी को नीचे गिराने के लिए बोलना है, किसी की बेइज्जत करने के लिए बोलना है, तो एक है। हाँ, लेकिन अगर बराबरी की लड़ाई के लिए बोलना है, अधिकारों के लिए बोलना है, वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से है, और मुझे लगता है कि मैंने हमारे को विपिन जी ने बताया था कि 5 से 6 का टाइम है, तो विपिन जी मैं कुछ जो है ना कविताएं सुना देती हूँ, और आप सब लोग इतना सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी लाइव किया उसमें इतने तरीके से लोगों ने नहीं बातें रखी हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे झबलू राम है, मनोज चौधरी है, विमल कुमार, प्रभाकर जी हैं, सीपी गौतम, और आरसी संतोष, ममता, मनोज चौधरी, मारुति मानव, आलोक रंजन, विपिन विपिन जी तो हैं ही, ओम प्रकाश गौतम, आलोक रंजन। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अगर आप लिखोगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगी, क्योंकि इन दिनों मुझे लग रहा है दलित स्त्रीवाद पे बात करना बहुत अहम हो गया है, क्योंकि जब जब हमले ज़्यादा दलित स्त्रियों पे बढ़ेंगे, तब तक हमें ये बात जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और जिस दिन हमारा
मुझे लगता है कि जब हम इक्वल सोसाइटी की बात करने लग जाएंगे, हमारी सोसाइटी इक्वल हो जाएगी, तो शायद इस तरह क्यों पड़ेगी। हम तो सब सब चाहते हैं कि सबको इज्जत मिले, सबको सम्मान मिले, सबको रोटी मिले, सबको पानी मिले, सब कुछ मिले, सबको वो इज्जत मिले जो इंसान होने की गरिमा वो मिले उसको। कि कभी भी ये ख्याल ना आए कि मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का हूँ, किस उस का हूँ, मैं अमीर हूँ, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। जब इस तरह का व्यक्ति हो जाए तो मैं कल एक किताब पढ़ रही थी जो कि ये है उड़ीसा की, एक हमारे आदिवासी कवि है भीमा भोई, भीमा भोई। और देखिए ये किताब है, ये यहाँ से आई है भीमा भोई, ये मैं पढ़ रही थी। तो अभी जैसे कि हमारे मध्यकाल में, और मध्यकाल मतलब मैं ये कहूँगी कि 13वीं शताब्दी से लेकर के हमारी जो 15वीं शताब्दी तक है, मेरा जहाँ तक ख्याल है आप इसको 16वीं शताब्दी 15वीं उसको बोलोगे, उसमें बहुत सारे हमारे दलित संत और संत कवित्री कवि और कवित्रियाँ रहे हैं। लेकिन मैं अब ये देख रही हूँ कि हमारे समय जो सावित्री फुले के समय यानी 1800 से लेके 150 सालों में भी बहुत लोग हुए हैं। 1800 जैसे देखिए सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 का है, ऐसी ये भीमा भोई जो है ये आदिवासी कवि है, वहाँ के बहुत बड़े कवि हैं, निर्गुण कवि हैं ये, कबीर की तरह इनके बड़े खूबसूरत पद है। तो इनका भी बर्थ जो है 1800 1850 के करीब का है। तो हमारा जो काम, मुझे लगता है कि हमें इस तरह के काम की ज़रूरत है कि हम अपने अपने आइकन, अपने नायक, अपने जो अच्छे काम हुए हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, उनकी बहुत ज़रूरत है हमें लाने की। और हम जितना काम करेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास जो है हमें उस तरीके से हमारा इतिहास लिखा नहीं गया है, हमारे इतिहास को जो भी अच्छी चीज़ें थी, क्योंकि इतिहास जिन्होंने लिखा है सब सवर्ण लोगों ने लिखा है, उन्होंने हमारे इतिहास को लिखा ही नहीं। तो हमें अपने शोध कार्य करने होंगे, अपने इतिहास के पात्रों को ढूंढना होगा, अपना अपनी संस्कृति बनानी है, हमें अपनी कल्चर बनानी है, वहाँ हमें बहुत सारे काम करने हैं। और अगर हम ये इस लड़ाई में उलझे रहे कि फलाना ढिमकाना, तो ये बहुत वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले मैं अपनी वही कविता सुना देती हूँ, इतिहास। और ये मेरी पहला मेरी थी, ये पहली काव्य संग्रह था, एक कदम मेरा भी। मेरा कहने का मतलब है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो इतनी सारी इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, इतना बारी बारी किताबों में, लेकिन हमारा तो उसमें एक कदम भी दिखता नहीं है। हमें कुछ अपनी बात दिखाई नहीं देती है ना, सारी तो राजा महाराजाओं की लड़ाई है, चलो वो भी छोड़ दो है ना, सारे जो ऊपर जाति के लोगों के पराक्रम के किस्से हैं ठीक है वो भी, लेकिन उसके बाद जो हमारे हमारे लोगों ने जो मेहनत की, जो इस धरती को बचा के रखा, इस दुनिया को बचा के रखा, उनका कोई मतलब ही नहीं है, ना उनके गाने हैं, ना उनके किस्से हैं, ना कहानियाँ, इतिहास कुछ भी नहीं है। तो बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके से हमारी जो है वो हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसका इसलिए मैंने जो था इस किताब का नाम रखा था एक कदम मेरा भी, और मेरा का मतलब यहाँ पे मैं नहीं है। एक कदम मेरा मतलब हम अपने आप को मानते हैं कि हमारा दलितों का एक कदम हमारा भी है, मतलब ये इंडिविजुअल बात नहीं है, मतलब मैं अपनी आवाज़ भी सारी महिलाओं की आवाज़ मानो या सारे समाज की। समय की धूल में दबे हजारों कदमों की परत हटाती हूँ तो उसके अनोखेपन, त्याग और बलिदान पर मुग्ध हो जाती हूँ। समय की धूल में दबे हजारों कदमों की परत हटाती हूँ तो उसके अनोखेपन, त्याग और बलिदान पर मुग्ध हो जाती हूँ। पर दूसरे ही पल मंटीस उठता है, इतने बेशकीमती कदमों में मेरा अपना कुछ भी नहीं। सुबह की धूप, दिन का उजियारा, चमकती स्वच्छ श्वेत चांदनी, कुछ भी हमारा नहीं। लो इतिहास से भी हमारा नाम गायब है, लो इतिहास से भी हमारा नाम गायब है। बेदखल हैं हम उससे, फाड़ दिया गया है हमारे संघर्ष का पन्ना। हमें शिकायत है उस अबोध निर्मम इतिहास से, जिसके लिए हम दिन रात सुबह शाम आंधी तूफान में लड़ते रहे, बनाते रहे अपने निशान, वो ही अपनी विद्रूपता से हमारी झुलसी नंगी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, तुम अपने पैरों पर कब चली, तुम्हारे पैर थे ही कब, तुम तो बस हम पर थी आश्रित, मैंने ही तुम्हें दी
छाया माया काया, और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए साथियों, साथियों ये इतिहास झूठा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं, ये कभी हमारा था ही नहीं। मैं तुम्हें फिर से खंगालूंगी, मैं कटिबद्ध हूँ, क्योंकि ज़रूरत है आज ये बताना कि इतने ढेर सारे कदमों के बीच एक कदम मेरा भी है। मैं आपको बाबा साहब पे कुछ कविताएं सुनाती हूँ। और जिस तरीके से बाबा साहब के ऊपर मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, जो मैंने अम्बेडकरवाद को देखा, सोचा, समझा, लोगों में ऑब्जर्व किया, लोग उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उन्होंने अम्बेडकरवाद का फ़ायदा भी उठाया, उसको मैंने अपनी कविताओं में लिखा। लेकिन मेरी कुछ कविताएं तो बाबा साहब को समर्पित थी। जैसे पहली कविता, तेरा यश। हे महामना अम्बेडकर, अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन, दुखों से कराती पिसती जनता को किया तुमने समुन्नत। हे महामना अम्बेडकर, अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन, महाड और काला राम मंदिर संघर्ष आदर्श हमारे आंदोलन का, कर मनुस्मृति दहन, किया दहन हिंदू धर्म का। हे महामना अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन, तुम्हारा कर्म आदर्श हमारा, तुम्हारे सिद्धांत मार्ग प्रशस्त करे हमारा, तेरी करुणा मानव को मानव बनाती, तुम्हारी लड़ाई दलितों में स्वाभिमान जगाती, तुम्हारी चिंता स्त्रियों का अधिकार दिलाती, तुम्हारा यश गा उठे जन जन, हे महामना अर्पित तुम्हें श्रद्धा सुमन। अब ये बाबा साहब पर है। बाबा तुम रो रहे हो राजनीति की कुचालों में, तुम्हारी दलित जनता धक्का खाकर कुचली भीड़ सी चित्कार रही है, तुम सोच में हो कुचली भीड़ सी जनता अपना आकार ले रही है, उसके सोए भाव जाग रहे हैं, वह संगठित हो रही है, तुम हंस रहे हो दबी कुचली जनता मिट्टी से उठना सीख गई है, फूल खिल रहे हैं चारों ओर, उठो यह भोर का आगाज है, तुम हंस रहे हो बाबा, हाँ तुम हंस रहे हो बाबा। किताब, रात दिन रटते हो तुम बाबा साहेब का नाम, रात दिन रटते हो तुम बाबा साहेब का नाम, राजनीति से लेकर साहित्य, साहित्य से लेकर धर्म, धर्म से लेकर प्रजातंत्र, प्रजातंत्र से लेकर वोट बैंक, वोट बैंक से लेकर लूट तंत्र, आरक्षण से लेकर जन्मजात प्रतिभा, यहाँ तक कि पूंजीवाद सामंतवाद के समर्थन में भी ले लेते हो बाबा साहेब का नाम, पर क्या सच में हम आत्मसात कर रहे हैं उन्हें, उनके मार्ग को, उनके रास्ते को, बस उलझे पड़े हैं जातियों उपजातियों के संघर्ष में, तुम्हारे अहम की लड़ाइयों में श्रेष्ठता बोध के एहसास के साथ तमाम असमानताओं को कालीन के नीचे छुपाते वक्त कहीं नहीं होता चिंतक अम्बेडकर, बस उसकी एक छाया का कोर पकड़कर भ्रम पालते हैं कि हमने उसे पा लिया, रात दिन सोते जागते खाते पीते टहलते ऊँघते ख्वाब में प्रमाद में रखते हैं उसे एक कीमती पेन की तरह, रात दिन सोते जागते खाते पीते टहलते ऊँघते ख्वाब में प्रमाद में रखते हैं उसे एक कीमती पेन की तरह संभाल कर, खर्च नहीं करना चाहते उसे जिंदगी की किताब में, किताबों का क्या है पढ़ो ना पढ़ो, पर घर की शोभा तो बढ़ाती ही है। व्यापारी, सुनो मैंने तुमसे कहा ये भीम बाबा है, सुनो मैंने तुमसे कहा ये भीम बाबा है, तुमने कहा हाँ ये हमारे भीम बाबा हैं, और झट उतारने लगे उनकी आरती, तुमने खूब पहनाए उन्हें हार और खूब चढ़ाई धूप बत्तियां, जबकि तुम्हारे पास खड़ा था उम्मीद से घिरा एक बच्चा, जबकि तुम्हारे पास खड़ा था उम्मीद से घिरा एक बच्चा, और दूर से दिखता एक स्कूल जिसमें जा रही थी बच्चों पर बच्चों की कतारें, वह भी उनके पास था, वह भी उसके पास था, जाना चाहता था उसमें बैठना चाहता था, क्या ये तुम्हारे लिए सचमुच ही नामुमकिन था कि वह जा पाए स्कूल, औरों की तरह पर छोड़ो।
तुम ले आए थे बाबा को बाजार में, तुम ले आए थे बाबा को बाजार में, लगा रहे थे बोली, कह रहे थे देखो देखो हमारे बाबा ने झेले थे दुख तकलीफें जो तुमने दी थी उन्हें, अब तुम्हें भरना पड़ेगा सबका हर जाना। तकलीफें सुविधाओं में बदल रही थी। कर रहे थे तुम विदेश यात्राएं, बोल रहे थे सभा सम्मेलनों में, धिक्कार रहे थे उन्हें जो सदियों से कर रहे हैं अत्याचार, कर रहे थे अत्याचार, पर तुम्हारे पास एक अत्याचार ग्रस्त औरत खड़ी थी, लेकिन तुम्हारी आंखें उसकी पीड़ा से दूर आसमान पर टिकी थी, जो तुम्हें अभी मिलना बाकी था। अब तुम बाबा को घसीट लाए हो व्यापार में, लोगों को बाबा को अपनाने के जंतर मंतर लाभ हानि सिखा रहे हो, सूदखोर की तरह लाभ बटोरना सिखा रहे हो उनको, सूदखोर की तरह लाभ बटोरना, जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे भाई बहन भूख से बिलख रहे हैं। हासिल की हैं तुमने बिजनेस यात्राएं, हासिल की हैं तुमने बिजनेस यात्राएं, अपने इन्हीं नन्हे अभी अपने इन्हीं भूखे भाई बहनों के बूते, गले हाथ लॉकेट में लटकाए भीम नाम की माला, ठीक स्वर्णकार की तरह जो तुम्हारी ही तरह सिद्धांतहीन लोगों को चाहिए तुम्हारी ही तरह पहनने के लिए। कहने की बात, कितनी अजीब बात है, जब हम सोचने लगते हैं सिद्धांत केवल कहने की बात है करने की नहीं, कितनी अजीब बात है जब हम सोचने लगते हैं सिद्धांत केवल कहने की बात है चलने की नहीं। हम सत्य न्याय समता लिख देना चाहते हैं किताबों में, हम सत्य न्याय समता लिख देना चाहते हैं किताबों में, होता है वह हमारे भाषण का प्रिय विषय, होता है वह हमारे भाषण का प्रिय विषय, पर उसे नहीं अपनाना चाहते जीवन में। हम बार बार कसम खाते हैं अपने आदर्शों की, हम बार बार कसम खाते हैं अपने आदर्शों की, देते हैं दुहाई उनकी, भीड़ देख जोश उमड़ आता है हमारा, जय भीम के नारों से आँख भर आती है हमारी, भीड़ देख जोश उमड़ आता है हमारा, जय भीम के नारों से आंखें भर आती हैं हमारी, गला अवरुद्ध हो जाता है, पहुँच कर रो उठते हैं हम, महसूस कर दुख तकलीफ जो झेली थी भीम ने उस समय, फवक कर रो उठते हम, महसूस कर उस दुख तकलीफ को, पर हम आंख नीच लेते हैं उससे जो अन्याय हमारी आंखों के नीचे घट रहा होता है। निष्कर्ष, कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या सोचकर बहस करते हैं हम, कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या सोचकर बहस करते हैं हम, मात्र बहस करने के लिए बहस है या कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तुम्हारे स्वार्थों के तकिए के नीचे बिछे नोट की तरह हरदम जब इस्तेमाल होंगे तभी दिखेंगे हम। तुम मैं कहते हो, तुम मैं कहते हो और मैं हम, तुम्हारे मैं में सिमटी है आत्ममुग्धता प्रशंसा और हमारे हम में छिपी है नीले सूरज की आग। ये मैंने एक वक्त लिखी थी कविता, ये दिशांत, भूख प्यास और दुख में सर्दी गर्मी बरसात में जमीन पर कुर्सी पर तुमने जी भर ओढ़ा बिछाया लपेटा अंबेडकरी चादर को, भूख प्यास और दुख में सर्दी गर्मी बरसात में जमीन पर कुर्सी पर तुमने जी भर ओढ़ा बिछाया अंबेडकरी चादर को, फिर तह कर चादर रख दी तिलक पर और तिलकधारियों के साथ सुर मिलाया हे राम वह राम, तुमने छाती से लगाई तलवार और तराजू बन गया तुम्हारा ताज, पर जूता तो पैरों में ही रहा, समझौते की जमीन पर चलते चलते करहा उठा चरमरा उठा, हो गए हैं उसकी तली में अनगणित छेद, उन छेदों में छाले पैरों में नहीं छाती पर जख्म बनाते हैं, लहू लुहान पैर नहीं जूतों की जमाते हैं। ये बाबा साहब के महाड़ आंदोलन पर कविता है और मैं आपको अभी दो कविता के बाद और अलग तरह की कविता सावित्रीबाई फुले और पर सुनाऊंगी कुछ कविताएं। क्रांति धर्मा,
प्रिय मित्र क्रांतिकारी जय भीम, जब तुम उदास होते हो तो सारी सृष्टि में उदासी भर जाती है। थके आंदोलन सी आंखें, नारे लगाने की विवशता, जोर जोर से गीत गाने की रवायत नहीं तोड़ पाती तुम्हारी खामोशी। मुझे याद है 1925 का वह दिन, मुझे याद है 1925 का वह दिन जब तुम्हारे चेहरे पर अनोखी रौनक थी, जब तुम्हारे चेहरे पर अनोखी रौनक थी, संघर्ष से चमकता तुम्हारा वह दिव्य रूप, सोने चांदी से मृद भांड, उतर पड़े थे तालाब में यकायक, आसमान ताली बजा रहा था, सितारे फूल बरसा रहे थे। यूं तो मटके पकते हैं आग में, यूं तो मटके पकते हैं आग में, उस दिन पके थे चाबदार तालाब में। आई थी एक क्रांति, तुम्हारी बहनें उतार रही थी हाथों पैरों और गले से गुलामी के निशान, और तुम दहाड़ रहे थे जैसे कोई बरसों से सोया शेर क्रूर शिकारी को देखकर दहाड़े। मुझे याद है आज भी वो दिन जब चारों तरफ जोश था, तुम बढ़ रहे थे क्रांति धर्मा, सैकड़ों क्रांति धर्माओं के साथ उस ईश्वर के द्वार जिसे कहा जाता है सर्वव्यापी, पर था एक मंदिर में छुपा, उन्होंने रोका बरसाए डंडे। पर तुम कब रुके, तुम आग उगल रहे थे, उस आग में जल रहे थे पुरातन पंथी क्रूर ईश्वरीकृत कानून। हम गढ़ेंगे अपना इतिहास, की थी उस दिन घोषणा तुमने, हम गढ़ेंगे अपना इतिहास, की थी उस दिन घोषणा तुमने, दौड़ गई थी शिराओं में बिजली उस दिन जो अभी तक दौड़ रही है हमारी नसों में, हमारे दिमाग में और हमारे विचार, हमारे भीतर। ये भी बाबा साहब पर एक छोटी सी कविता है। देखो मुझ में बसता है एक अंबेडकर, देखो मुझ में बसता है एक अंबेडकर, देखो तुम में बसता है एक अंबेडकर, जो हमारी नसों में दौड़ते नीले खून की तरह हृदय तक चलता हुआ हमारे मस्तिष्क में समा जाता है। देखो मुझ में बसता है एक अंबेडकर, देखो तुम में बसता है एक अंबेडकर, जो हमारी नसों में दौड़ते नीले खून की तरह हृदय तक चलता हुआ हमारे मस्तिष्क में समा जाता है। अरे साथी, अरे साथी, निराश ना हो, हमें पता है जो यहाँ घुला है वही उठेगा इस मिट्टी से एक दिन, फिर दोबारा अपनी प्रतिमा गढ़ते हुए नया भीमराव। ये मेरी कुछ दलित फेमिनिज्म पर कविताएं हैं और कुछ चार पांच कविताएं मैं सुनाऊंगी। पिता हम दलित बेटियां, तुम्हारे साथ लड़ती झगड़ती अपने बराबरी के अधिकार मांगती, क्या वह हमें मिलेगा? तुम्हारे साथ लड़ती झगड़ती अपने बराबरी के अधिकार मांगती, क्या वह हमें मिलेगा? पिता, एक गुलाम कौम में गुलाम कौम की तरह अनपढ़ अभाव में तमाम हल्दी नमक के चक्कर में उलझी बेटियां देख रही हैं सपने। पिता, एक गुलाम कौम में गुलाम कौम की तरह अनपढ़ अभाव में तमाम तरह की जिम्मेदारियां ओढ़े हल्दी नमक के चक्कर में उलझी बेटियां देख रही हैं सपने और मांग रही हैं अपने अधिकार तुमसे पिता। ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारी दलित बेटियां तुम्हारे दुख तुम्हारी पीड़ा अपने अपमान के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना चाहती हैं। ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारी दलित बेटियां तुम्हारे दुख तुम्हारी पीड़ा अपने अपमान के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना चाहती हैं। वे तुम्हारे साथ मोर्चे पर खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाए मरने को तैयार, झलकारी ऊदा महावीरी सावित्री की तरह, सशक्त मजबूत मुक्त औरत की तरह। तुम्हारी दलित बेटियां बेहद ऊर्जावान हैं, तुम्हारे साथ पर तुम्हारे बराबर खड़ी, फक्र से सिर उठाए असमानता के बरक्स समानता का झंडा लिए नेतृत्व की बागडोर संभालने पिता तुम्हारी दलित बेटियां। ओ मेरे प्यारे पिता,
मेरे साथ कदम मिलाओ मेरे पिता। फर्क विपिन जी, टाइम है कि चलें और चलें? सवा छः हो गए हैं, तो मैं ये कविता है फर्क दलित स्त्रीवाद और सवर्ण स्त्रीवाद में। अरे सुनो बहनों, थोड़ा पास आओ, मत शर्माओ, शर्मा जाने से किसी के गुनाह कम नहीं हो जाते। अरे सुनो, तुम्हें पसंद है गोरा गोरा गोल गोल सुंदर चांद और उसकी चांदनी को पीना। हमें पसंद है परिश्रम की आग में तपे लाल तवे पर सिकती रोटी की गंध। तुम्हें पसंद है तुम्हारे भव्य मंदिर में रखे दिव्य देव और हमें पसंद है उन पर उंगली उठाना। तुम्हें पसंद है शब्दों के खेल में जीवन के पर्याय बताना। प्यार सेक्स बलात्कार यौनिकता पर थोड़ा रुमानी होते हुए चर्चा छेड़ना और हमें पसंद है इस खेल के व्यापार को एक विस्फोटक डब्बे में बंद कर एक तिल्ली से उड़ा देना। अब बताओ कितना फर्क है तुम में और हम। भेद दृष्टि, सच बताओ तुम, क्या सच हमारी जमात स्त्री विरोधी है, स्त्री एकता स्त्री आंदोलन को तोड़ने वाली या फिर उसे विभाजित कर भटकाने वाली। तुम्हारी जमात ने कहा हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारी जमात ने कहा स्वतंत्रता हमें भी चाहिए तुमसे और तुम्हारे जाति आधारित समाज से। तुम्हारी जमात ने कहा हमें समानता चाहिए, हमारी जमात ने कहा समानता सिर्फ स्त्री की पुरुष से ही क्यों, दलित की सवर्ण से क्यों नहीं। तुम्हारी जमात ने कहा लंबे संघर्ष के बाद हम अब उस मुकाम पर आ गए हैं जहां हम अपनी देह को एक्सप्लोर कर सकें। हमारी जमात ने कहा बेशक देह एक्सप्लोर करो पर उस झाड़ू लगाती खेत रोपती पत्थर तोड़ती रोज बलात्कृत होने को मजबूर देह को भी मत भूलो। तुम्हारी जमात ने कहा अब हम उनकी बराबरी करेंगे जो हमेशा हमें दबाते आए हैं। हमारी जमात ने कहा पहले उनको बराबर लाओ जिनको हमेशा से सब दबाते आए हैं। तुमने कहा पितृसत्ता, हमने कहा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता। तुम्हारी जमात ने कहा बस याद रखो स्त्री तो स्त्री होती है, ना वह दलित होती है ना ही सवर्ण। हमारी जमात ने कहा समाज में वर्ग है श्रेणी है जाति है, इसलिए स्त्री दलित है ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है। और बस इस तरह तुम्हारी और हमारी जमात की सतत लड़ाई चलती है। अब तुम ही बताओ क्या हम स्त्री विरोधी हैं। मैं यहाँ पर सावित्रीबाई फुले पर एक कविता सुनाऊंगी अपनी। निकालती हूँ हाँ, ये मेरी कुछ कविताएं थी सुनो मलाला सुनो सावित्री। मैं दोनों की लड़ाई को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ क्योंकि मलाला को जब गोली लगी तो बहुत छोटी थी और सावित्रीबाई भी जब फूले पढ़ाने के लिए निकली तब वो बहुत छोटी थी, मात्र 17 साल की। सावित्रीबाई फूले 17 साल की उस बच्ची ने बहुत कमाल किया और मात्र 2-3 सालों में 18 स्कूल खोले। तो सावित्रीबाई फूले हमारे लिए बहुत प्रेरणा की स्रोत है। तो यहाँ पर मैंने एक दो उनकी कविताएं लिखी हैं, सुनो सावित्री सुनो मलाला। और जब मलाला पे जब हमला हुआ था तो वो स्वात घाटी थी, स्वात घाटी में वो बच्ची जो है अपने स्कूल खोलने स्कूल में बच्चों को जाने की लड़ाई लड़ रही थी तब उसको गोली लगी थी। और सिर पर मंडराते गिद्धो सुनो, अब आ गई है तुम्हारे हमारे फैसले की घड़ी, छेड़ी ने ही की है शुरुआत, तुमने ही की है इसकी शुरुआत। सुनो गिद्धो,
तुम्हारी खासियत है कि तुम खुलकर कभी नहीं लड़ते, दूर से छिपकर करते हो बार, आंख गड़ाए रखते हो हर वक्त, हमारी खुली आंखों से देखे जा रहे सपनों पर। सुनो गिद्ध, तुम्हें बैर है हर उस चीज़ से जो खूबसूरत है, जो सुकून देती है, उस नन्ही चिड़िया से भी जो खुशी से हवा में विचर रही है, खेल रही है, हंस गा रही है। नहीं पसंद आता तुम्हें उसका उल्लास से भरकर चहकना। तुम अपने कटीले अहंकार में झूम कर अपने बारूदी नुकीले पंजों से छीन लेना चाहते हो उस नन्ही चिड़िया का वजूद, पर क्या सचमुच छीन पाओगे? सुनो गिद्ध, जब आंधी तूफान नहीं उड़ा पाती उसका वजूद, तब तुम्हारा क्या वजूद उस नन्ही चिड़िया के सामने जो तुम्हारे सामने फुदक रही है और नई आने वाली सुबह का आगाज कर रही है। सुनो गिद्धो सुनो, तुम लाख फैलाओ अपने पंजे, नहीं जकड़ पाओगे उस नन्ही चिड़िया, उसके इरादे, हिम्मत और जज्बों को। सुनो, तुम बहुत डरपोक हो, नहीं देते तुम तर्क का जवाब तर्क से, नहीं सुनते तुम हक की बात हक से। तुम्हारे लिए हक बराबरी का सबका मतलब सिर्फ तुम्हारा रहम है, ताकि तुम्हारे खौफ की सत्ता कायम रहे, ताकि एक भ्रम की सत्ता कायम रहे। शिक्षा, पहचान, स्वतंत्रता तुम्हारे लिए अपनी मौत या मौत के फरमान से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। सुबह जिनसे उन अंधेरों का वजूद मिट जाए, जिनकी वजह से तुम्हारे खौफ की सत्ता कायम है। सुनो स्वाप घाटी पर मंडराते गिद्धो, तुम्हारे सच के अलावा कुछ और भी सच है जिसे तुम सुनना नहीं चाहते, जिसे किसी जिंदगी के गीत की तरह सारे जहां के बच्चे गा रहे हैं। ये कविता मैंने जब मलाला को गोली लगी थी तब ये गई थी। इसका शीर्षक है नन्ही सावित्री। सुन रही हो बिटिया मलाला, सारी आवाम रोते हुए कह रहा है, ओ प्यारी मलाला, हम बड़े रंज में हैं। सुनो बिटिया मलाला, तुम्हारे जैसी हजारों बच्चियां तुम्हारे लिए निकाल रही है कैंडल मार्च, और सुनो बिटिया, मौलवी भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए दुआ की बरसात, देश की सीमाओं से परे हाथ उठ रहे हैं तुम्हारी सलामती के लिए। सुन रही हो बिटिया मलाला, अभी अभी हमसे दूर गई है आरफा करीम रंधावा, नहीं खो सकते हम तुम्हें। सुनो मिटिया मलाला, इन जंगली गिद्धों ने जबरन बंद कराए थे वो जो 400 स्कूल, उनकी नई चाबी खोजनी है तुम्हें, क्योंकि ये रोशनी की ये रोशनी की वे मीनारे हैं जिस पर चढ़ना है तुम्हारी नन्ही सहेलियों को, जहाँ से नीचे झांकने पर दुनिया के तमाम बदनुमा धब्बे और ज़्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं और उनसे लड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। सुनो मलाला, तुम भारत की नन्ही सावित्रीबाई फूले हो, वह भी तुम्हारी उम्र में निकल पड़ी थी दबी कुचली औरतों के लिए उन स्कूलों के ताले खोलने, जिन्हें जड़ कर रखा था धर्म जाति की सत्ता में चूर सिर फिरोने। सुनो मलाला, सुनो सावित्री, कितने नीचे गिर गए हैं लोग जो स्कूल जाती लड़कियों के सिरों पर गोली मारकर उन्हें हमेशा के लिए फना करना चाहते, कितने क्रूर हैं वो लोग जो आगे बढ़ती स्त्री को गोबर, पत्थर, लाठी, डंडे, कोड़ों से मार रहे हैं। पर सुनो गिद्धो, तुम्हारे कहर के बावजूद चिड़िया जरूर उड़ेगी, और हर बार उसकी उड़ान पहली उड़ान से ऊंची होगी। शुक्रिया साथियों, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, काफ़ी बातें की हम लोगों ने। और इस मौके पे मैं विपिन जी का और स्काई लार्क के जो पब्लिशर हैं उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, और मेरे साथी जो मुझे सुनने के लिए आए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना। और सुना ही नहीं बल्कि मैं आपके कमेंट्स भी बीच बीच में पढ़ रही थी, और अगर किसी तरह का कोई सवाल होगा या कुछ भी होगा तो मैं दोबारा से इस पेज पे आकर के उसका जवाब दे सकती हूँ। और ये जो मैंने कविताएं पढ़ी या मैंने जो बातचीत की, मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा युवाओं पे केंद्रित करके मैंने अपना वक्तव्य रखा, क्योंकि मैं वाकई में चिंतित हूँ कि अगर हमारा जो जो
जो शोधार्थी युवा है जो हिंदी में PhD कर रहा है या उसमें करा, वो भटक ना जाए स्त्री मुद्दों पर। तो मुझे थोड़ा सा ये पिछले दिनों बहुत महसूस हो रहा था और दलित स्त्रीवाद पर, इसलिए मुझे लगा कि हमें थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए। तो मैं आप सबका थैंक यू बोलती हूँ। उपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, हुल जोहार। हमारे एक साथी ने हुल जोहार, हम सारा बिरसा मुंडा और सबको, हम सब हमारे आइकन हैं, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, पेरियार, यनकानी, सारे हमारे वो हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, जय भीम, हुल जोहार, क्रांतिकारी जय भीम, थैंक यू।